From this link, you can download this jenkins.msi file. So let it complete. So it is done. It is done. Guys, you can click on jenkins.msi file. This pop-up of Jenkins setup will open and you have to click next here. Okay. After that, you can select the destination folder where your Jenkins is going to install. Okay. And click on next. Here you have to select the login type. Login type is the local system you have to select, and select the port also. I am selecting 8080 here, and click on next, and give here the Java path. Java JDK. It is supporting a version 17 and 11. Click on install. This Jenkins will install in your destination folder, which is a C program file, Jenkins. Click on Phoenix and go to your PC drive C program files and Jenkins, where you can find this war file. Okay, hey, ye war file kaise aata hai, samjha hai kya? ये वॉर फाइल यहां से आएगा. देन यू हैव टू ओपन द सीएमडी. ठीक है, यू हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. हियर यू हैव टू टाइप जावा हाइफन. एक सेकंड सर, एक बार इंस्टॉल के बाद थोड़ा सा बताइए सर. जावा हाइफन JAR जेंकिंस डॉट वॉर. दिस command you have to execute if you have J capital hai kaise you have, if you have given any other J capital hai. Ruko na be. If you have given any other port, then you have to mention the port name there. Theek hai, so isko run karne ke baad ये ऐसा कुछ एरर आएगा तुमको ऐसा अगर कुछ एरर आता है, that means your Wi-Fi is not accessing to this 8080 portal. ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुमको सीएमडी ओपन करो अलग से. मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे. ठीक है, सीएमडी ओपन करो अलग से. और वो क्या कमांड दे रहे मुझे बताओ तो, पेस्ट करो तो. वो मेरे ये लैपटॉप में नहीं है वो. ए वो पोर्ट देखने की थे. यस सर, नेट स्टैट. अरे टाइप भेजना भाई पहले, इतना टाइम है क्या? लाइफ इज टू शॉर्ट टू टाइप एवरीथिंग. यस सर, यस सर. चलती भेज. ठीक है, ये देखो, यू हैव टू टाइप दिस कमांड गाइस. ठीक है, दिस विल शो यू द प्रोसेसर. यू हैव टू किल दिस प्रोसेस. प्रोसेस को किल करने का कमांड भेजो जल्दी से. ठीक है, सो दिस टाइम आई हैव दिस पोर्ट 13380. ठीक है,
ठीक है, नाउ द प्रोसेस हैज बीन टर्मिनेटेड, दिस फॉर यू दिस कमांड, ठीक है, दिस एक प्रोसेस हैज बीन किल्ड, देन अगेन 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 ट्राई दिस गाइस, अगेन ट्राई दिस, अगेन ट्राई दिस. This time your password is generated. This time your password is generated at this folder. ठीक है, you can directly go to this local host 8080 and this URL will open the Jenkins password confirmation page. Your message is not there. This will show you. इसमें दिखाना चाहिए Java is running. Sorry, Jenkins is running. Time लगता है, time लगता है इसको. Wait करेंगे थोड़ा. Yes, Jenkins is fully up and running. ठीक है. So port. This port, you have to go to this localhost colon 8080. Then you have to enter a password and your password is here. So go to another window and go to this path and here is my password. Aur main yahan pe simply paste kar raha hu isko and click on continue button. Click on continue button. Here you have to select the install suggested plugins, install suggested plugins. And this page will open, getting started. ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये plugins वगैरह जो है ये इंस्टॉल करवाएगा. उसके बाद तुमको वो तुम्हारा आई डी पासवर्ड क्या रखना है इसका ऑप्शन देगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द Jenkins डैशबोर्ड गाइस. क्लियर है? हेलो, अरे मतलब एरर लेके बाद भी मैं दिखाया यहाँ पे, देखो कि कैसे इंस्टॉल करना है. ये हो गया मतलब आगे का प्रोसेस हो जाएगा गाइस 100%. हेलो, आगे फिर क्या है? आईडी पासवर्ड सेट करना है सिर्फ. आईडी पासवर्ड तो सेट किया होगा ना आज तक, ठीक है, तो सेम बाकी की चीज की तरह करना है. रुकना है तो रुको, कोई दिक्कत नहीं है, ये होने दो पूरा ही कंप्लीट, इसके बाद ही मैं बताता हूँ, ठीक है. चलो चलो चलो, तब तक बताओ किस किस का क्या क्या नहीं हो रहा है, तब तक बताओ जल्दी से. सर पोर्ट फाइंड नहीं हो रहा है सीएमडी पे. पोर्ट फाइंड ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नथिंग इज रनिंग इन योर पोर्ट. तो वो पोर्ट को तो एरर ही नहीं आना चाहिए मैडम. लेकिन वो एरर भी आ रहा है ना सर, वो डॉट जा नहीं, यहाँ पे कोई और पोर्ट डाल रहे हो, वहाँ पे कोई और पोर्ट डाल रहे हो क्या, चेक कर लो. 8081 लिया है सर और वही डाल रहे हैं सर. तो वही डालने के बाद मैडम वही सर्च कर रहे हो पोर्ट को सर? नहीं मैडम, 100% नहीं होना चाहिए ना ऐसे. ठीक है, मैं दिखाऊ ना, मैं करके दिखाया ना तुमको. देखो कहीं तो गलती कर रहे हैं, कहीं तो गलती कर रहे हैं और वो शायद ध्यान में नहीं आ रहा है. एक बार देखो वो चीज क्या कर रहा है. हेलो, सेम सेम प्रोसेस करके देखो, फिर से करके देखो. मैंने खुद तुम्हारे सामने 10 बार करके देखा, 10वीं 12वीं 12वीं बार मेरा हुआ है. ठीक है, ठीक है, करके देखो एक बार, देखो करके देखो. ठीक है, बाकी और किसी का कुछ प्रॉब्लम? मैं जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंच पाए तुम लोग सब? चलो बोलो 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 सर. जावा 17 डाउनलोड करने के बाद सर उसको वापस पाथ देना पड़ेगा पहले जैसे जैसे 19 को दिया था कि नहीं? ए क्या 19 को, 17 को क्या, 19 को कुछ करना ही नहीं था भाई, 17 को ही करना है जो है. सर इसको भी वापस से पाथ देना पड़ेगा. वापस से क्या, कुछ पहली बार में हुआ ही नहीं ना कुछ. सर 19 पे भी दिया था तभी इंस्टॉल हो गया, अनइंस्टॉल हो गया था सब बाकी के ओरेकल वगैरह मेरे. नहीं नहीं क्या कर रहे हो, देखो 17 और 11 चलता है उसको. ठीक है सर. ठीक है, बाकी कुछ होगा तो उसको डिलीट कर दो. ओके सर. सर पोर्ट 8081 किया था पर जावा जब जार फाइल का वो कोड रन कर रही थी तो वहां पे 8080 करके आया है फेल. तो मैडम आपने पोर्ट मेंशन किया था क्या? HTTP पोर्ट इज इक्वल टू 8081 किया था आपने कमांड में? नहीं ना, फिर करना पड़ेगा ना वो. फिर ऐसे देखो छोटा छोटा गलती करोगे तो नहीं होगा. ठीक है, वैसा करना पड़ेगा वो. सर PID could not be terminated बोल रहा है.
नहीं रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनेट तो होना चाहिए वो। और ये तुम सीएमडी पे एडमिन से कनेक्ट हो? नहीं शायद एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो सीएमडी को, कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हारा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ओके ठीक है। यस ए किस किस का हुआ है जल्दी से बताओ, किस किस का हुआ है जल्दी से बताओ। ये जिनका हुआ है वो चले गए क्या? अरे मैं प्रोजेक्ट बताऊं कि नहीं बताऊं जेंकिंस का? सर आज नहीं लो। आज ले लूं ना? ए हाँ देखो रे मैडम ने बोला है आज ही ले लो, बोले तो आज तो लेना तो पड़ेगा ही, अभी मैडम ने बोला है तो। नहीं साइलेंट था। वो साइलेंट ना शब्द सुनाई नहीं देता है रे मुझे। हेलो नहीं शब्द सुनाई नहीं दे रहा है ये, अभी इतना टाइम लिया है तो लेना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है ये तो दिल बुरा मान जाएगा। प्रोसेस तो बता देता, प्रोसेस तो बता देता। ये यार ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को यूट्यूब पे डालना है ये वीडियो, ये अंटे संटे कुछ भी मत बोलो। ओके सर। हाँ चुपचाप बताओ जिस जिसका हुआ है वो। जेंकिंस डैशबोर्ड किसको दिख रहा है? हाँ सर वो दिख रहा। सुनीता जी दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। ठीक है चलो मैं ओरली प्रोसेस बता रहा हूँ, वैसे फॉलो करके देखो। न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, क्रिएट प्रोजेक्ट, न्यू आइटम, न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ। यस सर। वहां पे देखो प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा होगा पहले। यस सर। डालो वहां पे डेमो पार्टिस्ट, कैसे भी डालोगे चलेगा, कैप स्मॉल कैसे भी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन होगा फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट का। यस सर। क्लिक करो उस पे और नीचे का ओके बटन जो है वो फोकस हो गया होगा, क्लिक ऑन ओके बटन। यस सर लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो रहा है और कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन होगा अभी। जनरल डिस्क्रिप्शन। हां जनरल डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का। ठीक है वहां पे एडवांस पे क्लिक करो, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो एडवांस दिखेगा तुमको। यस सर। एडवांस पे क्लिक करने के बाद कस्टम डिक्शनरी या कस्टम डायरेक्टरी देखो, वहां पे फोल्डर पे क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन होगा एक चेकबॉक्स होगा एक कस्टम डायरेक्टरी। ए आया क्या? अच्छा ठीक है चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुमको। ए कस्टम वर्कस्पेस है सर। हाँ कस्टम वर्कस्पेस। ठीक है यहाँ पे देखो मेरा आ गया, मुझे आईडी पासवर्ड सेट करना है इसका। इसका आईडी सेट कर रहा हूँ मैं तुषार, ठीक है, और इसका पासवर्ड भी दे रहा हूँ मैं कुछ ये ऐसे तुषार एट द रेट 123। ठीक है ये पासवर्ड भी मैंने सेट किया है। ठीक है ये नाम नेम ए माइक म्यूट करो रे, कौन है आवाज कर रहा है? ठीक है कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं और ये लोकल होस्ट पे सेव करके मैं फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड हियर योर जेंकिंस इज रेडी ऐसे बोल रहा है ये। एंड स्टार्ट 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 पे ऑप्शन पे क्लिक किया है यहाँ पे मैंने। ठीक है स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस एंड दिस डैशबोर्ड इज ओपन नाउ। ठीक है सो आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू रन योर कोड और हाउ टू रन योर प्रोजेक्ट थ्रू जेंकिंस गाइज। सो हियर फर्स्ट क्लिक ऑन दिस न्यू आइटम बटन गिव हियर योर प्रोजेक्ट नेम, आई एम गिविंग द डेमो पाइटेस्ट, क्लिक ऑन दिस फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज विल ओपन, इट विल टेक सम टाइम। दिस कॉन्फ़िगरेशन पेज इज हैविंग दिस डिटेल्स गाइज, गो टू दिस एडवांस ऑप्शन, चेक यूज कस्टम वर्कस्पेस एंड गिव द योर प्रोजेक्ट पाथ, गिव योर प्रोजेक्ट पाथ हियर गाइज, हियर यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट पाथ। यहाँ तक आए सब लोग? यहाँ तक आए क्या सब लोग?
ठीक है, एक मिनट रुको, ये सिस्टम में एक मिनट रुको सिर्फ। So here you have to select the use custom space, okay? And here you have to give the project path, guys. Okay? ये project का path देना है यहाँ से। तुम्हारा project कहाँ पे? तुम्हारा project का folder कहाँ पे? वो path देना है वहाँ पे। You got this? So copy this absolute path and paste it over here. Directory वाला चीज़ पे वो paste कर देना है। Paste कर देना है। किया इतना? किया ये? हाँ या ना बताओ। किया। डन। नेक्स्ट बताओ। यस सर। ये देखो, जल्दी देखो। ये यहां तक हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। पहले फोल्डर का पाथ दे पाए प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के फोल्डर का पाथ। ठीक है, ये जहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो तुम्हारा फोल्डर पे, फोल्डर का पाथ। आई एम कॉपिंग दिस एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ। और शॉर्टकट इज द कंट्रोल शिफ्ट सी इज द शॉर्टकट गाइड। ठीक है, दिस पाथ यू हैव टू गिव हियर इन कस्टम स्पेस, कस्टम वर्क स्पेस। आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ या ना बताओ ना रे। हाँ सर। यस सर। यस यस यस। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाओ, और नीचे जाने के बाद गाइज यहाँ पे तुमको ऑप्शन दिखेगा, तुमको बिल्ड स्टेप्स का। बिल्ड स्टेप्स दिखा, एड बिल्ड स्टेप पे जाओ और एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड पे क्लिक करो। नहीं समझ रहा है तो मेरे स्क्रीन पे देखो। हाँ, ए दिखा, यहां तक दिखा। यस सर। एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड दिखा, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट किया गाइस हमारा कमांड। यहाँ पे पेस्ट मतलब या टाइप भी कर सकते हो तुम, जो भी तुम्हारा है। पाइटेस्ट हाइफन वी हाइफन हाइफन एच टी एम एल रिपोर्ट इक्वल्स टू रिपोर्ट स्लैश रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल टी एंड आई एम गिविंग हर द कमांड फॉर द पैरेलल रन विद द फोर वर्कर प्रोसेसेस। ठीक है, गॉट इट। हेलो, ये कमांड दिया एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन। ठीक है, क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड क्लिक ऑन सेव बटन। यहां तक किया सबने? सेव बटन पे क्लिक किया सबने? अच्छा, ये कमांड टाइप कर लो भाई जल्दी से। ये देखो मैं चैट बॉक्स में डाला है, फट से टाइप करो। ये तो रोशन को ही गया सिर्फ। हाँ डालो, जल्दी से डालो, कोई तो रिस्पांस करो होने के बाद। यार ऐसा कॉल कर रहे हैं ना लोग, उनको लगता है संडे है, मतलब छुट्टी चाहिए क्या? संडे को छुट्टी? ये हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक बताओ जल्दी से।
अरे जो लोग कर रहे थे उनका हुआ, बताओ जल्दी। हाँ सर, अप्लाई तो किया, सेव भी किया। सेव किया? हाँ। सेव किया किसी ने? हाँ सर किया। सेव किया? अभी सेव करने के बाद तुमको ये ऑप्शन दिख रहा है, सेव करने के बाद तुमको ये ऑप्शन दिख रहा है, सेव करने के बाद तुमको ऐसा दिख रहा होगा। हेलो, ये दिखा रहा है कि नहीं जेंकिंस? yes. डेमो, डेमो के अंदर डेमो पाइटेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन बिल्ड नाउ, क्लिक ऑन बिल्ड नाउ। ठीक है, दिस प्रोसेस विल स्टार्ट। अभी मैं सिक्स टाइम रन कर रहा हूँ इसको, इसलिए सिक्स रन दिखा रहा है। तुम फर्स्ट टाइम रन कर रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम आएगा गाइस। ठीक है, देन क्लिक ऑन दिस ब्लू बार, देन यू कैन चेक द कंसोल आउटपुट गाइस। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट जो है यहाँ पे तुमको दिखना शुरू हो गया होगा। देखो यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है तुमको? कहीं पे लैग हुआ होगा तो बताओ, कहाँ पे लैग हुआ होगा तो बताओ मुझे, मैं बताता हूँ। कहीं पे लैग हुए होंगे तो बताओ जल्दी से। सक्सेस हुआ सबका? हाँ बोलो रे जल्दी से बोलो। सर ये लिंक में कुछ भी नहीं शो हो रहा है, अब सेव करने के बाद भी, बिल्ड अप्लाई करने के बाद भी। क्या पे शो नहीं हो रहा है? ये लिंक नहीं शो हो रही है सर। नहीं मैडम, ये डैशबोर्ड पे जाओ ना, डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये प्रोजेक्ट दिखना चाहिए ना तुम्हारा। क्या आप क्लिक करने के बाद बिल्ड नाउ ऑप्शन आना चाहिए? प्रोजेक्ट दिख रहा है सर, लेकिन फेल्ड हुआ मेरा तो। तो फेल मतलब कुछ एरर आया होगा ना? तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, फेल हुआ है मतलब कंसोल आउटपुट चेक करो ना। राइट, ये फिनिश्ड होके फेल आ रहा है कि सक्सेस आ रहा है? फेल आ रहा है सर। नहीं, यहाँ पे कुछ तो कमांड देखो, कमांड सही टाइप किया है क्या? ठीक है, सो दिस इज द कमांड, दिस इज द कमांड, सेम जो मैंने रन करके दिखाया तुमको सेम यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस टू रन योर सेलेनियम कोड थ्रू द जेंकिंस गाइस। ठीक है, इन जेंकिंस नॉन टेक्निकल पर्सन कैन ऑल्सो run your codes and projects and observe the results and check the reports also, and you can schedule this Jenkins jobs. ये जो jobs होते हैं तुम्हारे Jenkins के, means this is our one job, you can schedule this also. ठीक है, according to your requirement, means for example you have to run this code every day at after 12 AM, then you can set the time in build triggers and it will automatically store your it will automatically run your job and will show you the result. ठीक है, तो automatic भी कर सकते हैं हम ये Jenkins को, वो देखेंगे हम बाद में, next session में हम देखेंगे। Tomorrow I am going to revise all this. ठीक है, and going to share this video also guys, which is having the detail detail level installation about the Jenkins. Try this. ठीक है, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया। ठीक है, वो पोर्ट का एरर दिखा रहा था इसलिए वो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में जब ट्राई किया हमने तब हुआ वो ट्राई। ठीक है, तुम भी एक बार कहीं ना कहीं पे छोटा छोटा गलती कर रहे हो इंस्टॉलेशन करते टाइम, तो उसको इंस्टॉल करो अच्छे से, और Jenkins का प्रोजेक्ट मैंने जैसे तुमको रन करके दिखाया है वो तुम भी करके देखो रन। ठीक है, लाइक रियल टाइम प्रोजेक्ट, लाइक रियल टाइम टेस्ट केसेस, हम ये चीज सभी चीजें वापस देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट you should aware about this processes regarding the Jenkins guys. So install the Jenkins and I'm going to share this video with you so you can follow this also guys. Okay, so follow the steps.
जो तुमको बताया गया है और वो हिसाब से थोड़ा इंस्टॉल करने का कोशिश करो, और ये वीडियो मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगा तो फिर पूछोगा, जरूर बताओ।